तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम हमारा मेन फोकस जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करने का है बेसिकली। मगर मैं ना एक पर्टिकुलर वे में चाहता हूँ, और वो उसका तरीका ये है जो कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट एवर इंफॉर्मेशंस जो जो अभी तक जो टेक्स्ट में अवेलेबल है या जो भी मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है, उसको एक लॉजिकल कोहेरेंस में लेकर के आना कि कैसे थॉट्स बने और लोगों ने एक-एक चीजों को कैसे अनकवर्ड किया। राइट, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इटसेल्फ जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, वहां पे हम जाकर के हाईलाइट करना चाहते हैं। और जो स्पेशली जो स्टोरी जो है, वो स्टोरी शायद एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, मगर कई बार लोग पूछ भी लेते हैं। वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपको हिस्ट्री उसकी पता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो थे फील्ड में वो कैसे हुए। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस इसके काफी हैं। एक दूसरा चीज ये आप क्या प्रोवाइड करता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लोगों ने कोई भी डिस्कवरी कैसे करी थी, तो वहां से आपको आइडिया भी मिलता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। या बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में चलती हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे जो भी पूर्वज थे, जिन लोगों ने भी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक नई डिस्कवरी दी, वैसा हम भी दे सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उन चीजों को। ये चीजें तो हमारे साथ भी होती है, सिर्फ ये है कि हम बोल नहीं पाते, उन्होंने अपनी बातों को रखा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड दे वॉक दे मूव अराउंड दैट। तो हम ना इस फैशन में थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में हम चलना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे अभी भी याद नहीं है, इसलिए मैं स्लाइड को नेरेट करना जरूर चाहूंगा कि एक एक लाइन पढ़ के उसको समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्लाइड रीड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक एक स्लाइड के मैसेज को हम समझ पाए। ओके, सो इट सेज द आयोनियन फिलोसोफर ऑफ 50th सेंचुरी, 50वीं सेंचुरी में BC, ये तीन लोग थे, एनाक्सिगोरस, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस। ये तीनों ने एक कॉमन, एक तरह से कॉमन फिलॉसफी दी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए सेट ऑफ पार्टिकल्स विच वेयर कॉल्ड एटम्स टू डिनोट देयर प्री एस्यूम्ड इनडिविजिबिलिटी। देखो, ग्रीक में ना एटम वर्ड जो है, एटम्स, इसको इनविजिबल मतलब इनडिविजिबल के लिए यूज किया जाता है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी हाँ, डिवाइडेड। इसीलिए उन्होंने नाम दिया इसको, एटम दिया, और बोला कि सारे मैटर्स जो हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, नाम इसीलिए एटम दिया, वो बताने के लिए ही, ताकि कि वो उनको डिवाइड करना संभव नहीं है। और ये है एनाक्सोगोरस, ये है ल्यूसिपस, और ये है आपका डेमोक्रेटस। ये डेमोक्रेटस के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो जो ये इसकी एटॉमिक थ्योरी से मिलते जुलती कोई बातें लिखी हुई है। क्या लिखा है जरा? द बस्ट ऑफ डेमोक्रेटस द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स वाज ऑफर्ड बाय ग्रीस टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑन द ओकेजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रीस इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर द पीरियड 2019 टू 21। ये उन्होंने कुछ लिख करके दिया होगा, यस। और बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड होगा, और मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि ही वाज द स्टार्टर, और जो जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से शुरू किया। अभी ना अभी हम क्या करेंगे, इसी को डिटेल्स में देखते हैं, राइट। सो इट सेज देयर इज अ वेरी गुड बुक फर्स्ट, द कॉस्मिक मशीन। इसमें ना वो पूरी एटॉमिक जितने साइंटिफिक डिस्कवरी हुए हैं अभी तक के,
और बहुत अच्छा कहानी के रूप में लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए हुए हैं। वहीं से ये जो है एटॉमिक थ्योरी के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने लिया हुआ है, एक वेबसाइट पे भी है और ये बुक में भी है, अच्छा लिखा हुआ है। इट सेज द अर्ली एटॉमिक थ्योरीज के बारे में बोलते हैं, द थॉट्स ऑफ एग्जिस्टेंस पेव द वे फॉर एटम्स, मतलब जो लोगों के दिमाग में जो बातें उपजे, जो जो विचार आए, वहां से एटम की डिस्कवरी हुई। ओके, सो द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग द इनिशियल थॉट्स अबाउट द एटम्स एंड अर्ली एटॉमिक थ्योरीज। सेवरल ऑफ द एंशिएंट फिलोसोफर पोंडर्ड एंड डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ मैटर विथ वन even imagining the existence of fundamental building block that made up of not only all living and non-living things but the supernatural as well। मतलब ये बोल रहे कि सारे ने ponder and develop, मतलब सोचा उसके बारे में, explore किया, सोचा सिर्फ जो mind में thoughts आए उसको, right, उसको बोलते हैं pondering। So ponder and develop a theory of matter, जो जो चीजें उनको मेडिटेशंस में दिखी उसी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया एज ए थ्योरी ऑफ मैटर। एक ने बोलते हैं कि एक ने तो ऐसा इमेजिन किया, उसका इमेजिनेशन ऐसा था कि पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ नॉट ओनली लिविंग, मतलब कुछ ऐसा फंडामेंटल ब्लॉक्स है जिससे सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बने हुए हैं, उसी को जोर जोर करके बना हुआ है। और वही नहीं, जो सुपरा नेचुरल पावर भी जो है वो भी उसी चीज से बना हुआ है, इसका इमेजिनेशन तो ऐसा भी था। कोई ऐसी चीज है एक जिसको वो बोल रहा है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जैसे मान लो कि पेपर से जोड़ करके कुछ चीज आपने बना लिया, कुछ कोई सी चीज है जो है उसको देख करके उसी को जोड़ जोड़ करके सब कुछ बने हुए, चाहे जिंदा हो या मरे, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो या सुपरा नेचुरल पावर भी हो, वो भी वैसे ही बना हुआ। Their thoughts were speculative and philosophical rather than scientific in nature. Scientific in nature का मतलब क्या, देखो philosophical मतलब जैसे हम लोग कोई बात करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुमको नहीं समझ में आए क्योंकि तुमने ऐसा नहीं देखा, होते देखा, ऐसी घटना हो रही है एक के बाद एक, आप इन्वेस्टिगेट करके देख सकते हो, करके रिपीट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स को, तो आप बोलते हो कि ये साइंटिफिक इन नेचर है। लेकिन आप कोई ऐसी बात बता रहे हो जो सिर्फ तुमने विजुअलाइज किया, मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो वो रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तो वो बोला थॉट्स वेर स्पेकुलेटिव एंड फिलोसफिकल इन नेचर, मतलब फिलोसफी वाली बातें थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा हो सकता है, राइट, इस टाइप की चीजें थी। एंड व्हाइल दे अटेम्प्टेड टू टच द नेचर ऑफ मैटर and its composition, their real goal was to address something of profound concern to the ancient Greeks, the nature of permanency and the change. What does it mean to? ये क्या बोल रहे कि ये सारे जो philosopher थे और जिन्होंने भी ये atomic theory दी थी, ये तीनों के नाम जो है, इनके question वो atomic theory solve करने के लिए नहीं काम कर रहे थे, उनका था एक ही question था, क्या, जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि नेचर ऑफ परमानेंसी एंड चेंज, इस प्रकृति में हमें जो कुछ भी दिखता है वो हर चीज बदल जाता है मोमेंट मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट हर चीज बदल रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट है, परमानेंट है, वो क्या है, उसकी खोज, इनकी खोज वहीं से शुरू हुई थी कि कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है और कौन सी ऐसी चीज जो है वो बिल्कुल हमेशा बदलते जा रही है, उसके पीछे राज है क्या। They were searching for those answers, not the atomic theory. Okay, this is very very important point, right? तो ग्रीक वाले जो थे ना वो काफी मतलब फिलोसफी में काफी आगे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब डिस्कवर करी। अनफॉर्चुनेटली These theories of matter were rather short-lived. क्योंकि जो भी उन्होंने उस दौरान जो जो कुछ भी उनको इंसाइट हुआ था, उस इंसाइट का असर जो था वो बहुत कम देर तक रहा लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं थे बहुत सारी चीजें, हाँ, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो जल्दी ही खत्म हो गए।
although there was some revival during the Middle Ages and Renaissance, they never gained any real momentum until the 17th century. जब तक 17वीं सेंचुरी आई नहीं तब तक इनको जो भी इन्होंने बात करा वो उसमें कोई मोमेंटम नहीं रहा, आया शॉर्ट लिव, लाइक जस्ट लाइक एक थॉट आता है और चला जाता है, उसके ऊपर काम नहीं करते, वो लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो 17th सेंचुरी जब आई उसके बाद मोमेंटम लिया इनके काम। द अर्ली एटॉमिक थ्योरी फोकस्ड ऑन प्राइमरी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑल अदर मैटर्स। ऐसा कौन सा पार्ट है जो हर मैटर को क्रिएट करता है, वो उनको ढूंढने का, कौन सा ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सारे मैटर्स बने हुए, उनकी खोज थी उनकी। सो हेराक्लिटस सेड इट वाज फायर, उसने बोला आग, फायर से ही सब कुछ बना हुआ है। ओके, देन द थेल्स ऑफ मिलेटस, he says it was water, उसने बोला नहीं पानी से ही सब कुछ बना हुआ, सारे मैटर जो कुछ भी दिख रहे हैं वो पानी से बना हुआ। एक ने बोला फायर से, दूसरे ने बोला पानी से। नेक्स्ट 624 BC से लेकर के इतना, हाँ राइट, Anaximenes, पता नहीं क्या नाम है इसका एग्जैक्टली, he thought that it was air। अब देखो दो चीज तो बच गई, एक ने बोला फायर, दूसरे ने बोला वाटर से बना है, तीसरे ने बोला कि एयर से बना हुआ है। एंड इम्पीडोसलेस फाइनली यूनिफाइड दिस डिक्लेयरिंग देयर टू बी द फोर एलिमेंट्स, उसने बोला कि चार एलिमेंट से मिलकर के मैटर जो है वो बना हुआ है। Then come about the Empedocles. He was born in Acragas in present, which is the city, jo hai wo Sicily, and was an interesting character. Kyun interesting character tha? Ki he was described as a philosopher, prophet bhi, healer bhi, democrat bhi, politician, mystics, charlatan, fraud tak level kiya gaya isko, and scientist. So he was known by the different names, basically he was labeled by those names, right? So isliye isko bolte hain ki his character was like interesting character. His main contribution to the science, physical science, was his four element theory. Wahi jo four element theory ke jo hum logon ne baat kari thi, और कौन सी फोर एलिमेंट थ्योरी, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, राइट। ये चार चीजों से ही मिलकर के ये पूरा मैटर जो है वो बना हुआ। दिस फंडामेंटल एलिमेंट्स व्हिच ही कॉल्ड रूट्स कंबाइंड इन वेरिंग अमाउंट्स टू फॉर्म ऑल अदर मैटर्स, इसी के चार के कॉम्बिनेशन अलग अलग अमाउंट्स में बना करके प्लांट्स भी बनाते हैं, एनिमल भी बनाते हैं, ह्यूमंस भी बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं और एवरीथिंग। And while the elements mix together to form other things, they still maintain their own individual characteristics. Indeed, Empedocles envisioned the four elements as changeless, eternal, and indestructible. मतलब बोला कि ये चारों element मिल करके varying amount में अलग-अलग चीज बना रहे हैं, plant बना दिया, animal बनाया या human बने, लेकिन ये चारों एलिमेंट जब मिलते भी हैं तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं छोड़ते, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, वाटर ही रहेगा, फायर ही रहेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होने वाला है, एयर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होगा, अर्थ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, सो दे रिमेन इटर्नल। उन्होंने बोला कि वो चेंजलेस है, वो उसको नहीं बदल सकते आप, इटर्नल है, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते, एयर को नहीं तोड़ सकते आप। Empedocles believed in two eternal metaphysical forces. उसने बोला, अब देखो क्वेस्ट क्या था कि कुछ चीजें जो है परमानेंट है इस यूनिवर्स में वो क्या है, और चीजें जो है वो चेंज हो रही है, जो रियलिटी हर बार चेंज हो जाती है, आज है
कल नहीं है, आज आदमी है कल नहीं है, आज ये चीजें एग्जिस्ट करती थी कल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो है वो कंटिन्यूअस एज इट इज मेंटेन्ड है, व्हाट इज दैट, और उसी को ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी भी. ओके, सो ही सेज कि देयर आर टू इटर्नल मेटाफिजिकल फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में जो काम करते हैं, वो लव और स्ट्रेफ. लव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द एलिमेंट्स टूगेदर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. कोई चीज जब बन रहा है उस समय पे लव है, राइट, एंड वेयर इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ स्ट्रेफ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट. जब स्ट्रेफ काम करता है तो वही चीज डिस्टर्ब कर देता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ डीके. ओके, द कॉस्मिक बैटल बिटवीन लव एंड स्ट्रेफ रिप्रेजेंटेड द नेचुरल साइकिल ऑफ चेंज इन द यूनिवर्स. लव बिल्ट थिंग्स अप एंड स्ट्रेफ टोर देम बैक डाउन, and they struggle against each other, each one trying to gain dominance over the other, right? तो यदि मान लो कि love dominate करेगा तो create होएगा, strife dominate करेगा तो वो चीज destroy हो जाएगी. और ये बोलता है कि cosmic battle है, दोनों के बीच में चलता ही रहता है, और इसीलिए कुछ चीजें permanently exist कर रही हैं, वो creation love है, तो exist करते जा रहे हैं और destroy भी होते जा रहे हैं. जो जब prominent होएगा उसी तरह की घटना होगी. So it was his theory. In Empedocles' theory, we clearly see the concept of changing universe similar to that described by the Heraclitus. Although where Heraclitus only believed in strife, उसने destructive force में ही उसने believe किया था. Heraclitus कि ऐसी type का है और इसलिए डिस्ट्रक्शन होता है. बट ही सेज Empedocles सॉफ्टेंड हिज थियरी विद द एडिशन ऑफ लव एज इट्स कॉस्मिक काउंटर पार्ट. परहैप्स लेस क्लियर इज दैट Empedocles ऑल्सो इम्प्रेस्ड ए बिट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ Parmenides. वो और भी एक साइंटिस्ट था, उसके भी डॉक्ट्रिन्स को इन्होंने लिया, right? और ये इसका जो था, इसका Heraclitus की जो थ्योरी थी वो उसने बिलीव किया था कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, इसीलिए सारे चीजें जो है डीके हो जाती है, इसलिए चेंजेस होते हैं. हाँ, लेकिन ये कुछ थ्योरी को लेके नहीं, कुछ तो और भी है जो एग्जिस्ट करता है और क्रिएट होते रहता है, इसलिए उसका नाम उसने लव दिया और ऐसे करके थ्योरी बना दी. व्हाइल ही डिडंट बिलीव इन चेंजलेस यूनिवर्स एज Parmenides monastic dogma has demanded, he did attribute changeless to his fundamental elements. To be sure, this was a deliberate attempt to reconcile the opposing doctrines of Heraclitus and Parmenides, and he was not only the one to do so. Basically, ये क्या बोल रहे हैं कि इसने ये जो Parmenides जो था उसका जो monastic dogma जो था कि उसको पहले लाइन में हमने बोला है कि उसको इसने अडॉप्ट किया, ऐसा लगा कि उसको इम्ब्रेस करना है, इम्ब्रेस करना मतलब उसको मान लेना, राइट. तो यहां बोल रहे हैं कि उसके चेंजलेस यूनिवर्स के बीच में ये नहीं माना. व्हाइल ही डिडंट बिलीव इन द चेंजलेस यूनिवर्स, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स तो कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा है, वो तो बन रहा है और बिगड़ रहा है, इसने तो ये मान लिया था, करेक्ट. लेकिन इसने क्या माना था कि वो चेंजलेस है, इसकी थ्योरी जो थी Parmenides की वो चेंजलेस यूनिवर्स है. तो उसने जो Empedocles जो पहले जो एक्सप्लेन जो इसके पहले वाला स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था उसने ये बोला ना कि क्रिएट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, तो चेंजलेस तो है ना कहीं उस पार्ट को तो इम्ब्रेस वो कर ही रहा था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, हम ये भी बोल रहे हैं कि उसमें बन भी रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, दोनों. बेसिक आइडिया ये है इसका. Nonetheless, he abandoned the Parmenides monastic view in favor of pluralistic one governed by the four elements, two forces and two forces. Thus, and the ensuing commingling, therefore, a contemporary of Empedocles and fellow early atomic theory was Anaxagoras. मतलब इसके बाद की जो थ्योरी जो आई
इम्पेडोसिलस का मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा कि चार एलिमेंट की उसने थ्योरी बताई, बोला यही इसका पूरे यूनिवर्स का रूट यही है मैटर का, सारे मैटर ये चार चीजों से मिलकर के बने हुए हैं, एयर वाटर अर्थ एंड फायर से। और यूनिवर्स में दो तरह के फोर्स काम करते हैं, लव एंड स्ट्राइव। लव क्रिएट करने का काम करता है और स्ट्राइव जो है वो अपोजिट फोर्स है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में कॉस्मिक बैटल चलते रहता है, जो जीतता है उस तरह की चीजें क्रिएट करता है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, राइट। उसके बाद आता है एनाक्सोगोरस की थ्योरी, उसने क्या बोला। सो एनाक्सोगोरस वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ क्लाजोमेनिया इन आयोनिया, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे टर्की, टर्की में, अभी जो टर्की जो है वहां पे इसका जन्म हुआ था ये एनाक्सोगोरस का। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग फिलोसफी टू एथेंस, मोस्ट लाइकली कन्विंस्ड टू कम बाय पेरिसिलस हु बिकेम हिज स्टूडेंट। मतलब उसने अपने स्टूडेंट्स को मतलब एक या अपनी थ्योरी जो है वो बताई, उसका एक स्टूडेंट जो था वो कन्विंस हुआ, वो काम कर रहा था, लेकिन उसने भी 30 साल काम करके छोड़ दिया इसका साथ। He says he spent 30 years there, but eventually the student ने भी काम छोड़ दिया उसका। It seems his teaching on earth, the sun and the moon might have gotten him into a bit of trouble also. Apparently Galileo was not the first to suffer this fate. Specifically, he was in violation of a law permitting the impeachment of anyone who did not practice religion and taught theories about the heavenly bodies. पहले ना ग्रीक में वो वहाँ पे बहुत मतलब ये होता कि जो लोग यहाँ की चीजें जो फॉलो कर रहे हैं ना उससे आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते। उन्होंने जो एक नियम बना दिया है लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप थ्योरी नहीं प्रपोज कर सकते। इसीलिए गैलीलियो को भी सजा मिली थी, आप उसके विरुद्ध में नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के विरुद्ध में। तो इन्होंने भी बोला था, अपनी थ्योरी डाली थी, तो इनको भी ये प्रॉब्लम्स हुआ था, ऐसा बोल रहे कि ऐसी चीजें रिकॉर्डेड है। He was charged for impiety rather than stay and face his sentence, which was execution with the assistant of Pericles. He left Athens for Lampsacus, पता नहीं, in Asia Minor, where he remained for the rest of his life. मतलब उसको देश से निकाल दिया, तो जाए यहाँ से। So, like Empedocles, Anaxagoras attempted to meet the challenges of Parmenides' demand of a changeless world while accounting for the apparent change we experience in everyday life. मतलब बोला कि उसके जो उसका जो चैलेंज जो था मतलब बेसिकली पैरामेंडिस का कि चेंजलेस वर्ल्ड है, लेकिन उसको ये भी, लेकिन हम तो रोज देख रहे हैं ना कि चेंज तो हो ही रहा, तो इसको कैसे बैलेंस करके कौन सी थ्योरी लेकर के आनी है, वो उसने उन चीजों को आगे बढ़ाया। वेयर इज Empedocles सिंगल्ड आउट एयर अर्थ वाटर, एयर अर्थ फायर एंड वाटर एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस, Anaxagoras सीन नो रीजन फॉर सच डिस्क्रिमिनेशन, डिक्लेयर्ड दैट एवरीथिंग कंटेन्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग एल्स। बोले सर ये फोर्थ को फंडामेंटल ब्लॉक एज अ फंडामेंटल ब्लॉक नहीं, उसने तो बोला देखो इस इन लोगों ने तो बोला ना कि चार ही एलिमेंट है, राइट, यही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट, और उसी से सब कुछ बना हुआ है। ये बोला कि नहीं ऐसा मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि ऐसा Anaxagoras ने वो बोला कि एवरीथिंग कंटेन्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज बना लो उसमें बाकी में सब चीज है, ऐसा अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे वो बोलते ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इंडियन थ्योरी जो है कि एक ही चीज जो पिंड में जो जो पूरे यूनिवर्स में है वो एक छोटे कण में भी है, वो एग्जैक्टली इसने इस तरह की बातें करी
कि एवरीथिंग कॉन्टेन्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग एल्स। For Anaxagoras, things such as bone, skin, and hair were just as real as Empedocles' fundamental elements of air, earth, fire, and water. And as such, there is no reason one should choose some in favor of others. So he decided not to choose, but instead included a portion of everything in everything. Understand? While it is not known for sure, it might be that he arrived at his theory of matter from his rather insightful studies in intuition. वही बोलता हूँ nutrition फिर food के बारे में बात करेंगे। Anaxagoras noted that food provided nourishment for animals that in turn caused certain things to occur, such as their hair to grow, their skin to heal. He concluded that food must then have the constituent of hair and skin already in it to be able to convey these effects. मतलब वही everything is in everything. तो इसका यहां से intuition, मतलब जो भी जो न्यूट्रिशन का जो चीज उसने वैल्यू देखा कि लोग खाते हैं ऐसा होता है, वहां से उसने अपनी थ्योरी ये बनाई। मोरओवर Anaxagoras कंसीडर्ड मैटर टू बी इनफाइनाइटली डिविजिबल। ओके, दस इफ वन कट ए पीस ऑफ हेयर अगेन एंड अगेन इट वुड स्टिल कॉन्टेन एसेंस ऑफ हेयर। ही सेज For all small, there is no smallest, but always a smaller, for which it cannot be. But also of large, there is always a larger. यदि कोई बड़ा है तो उससे भी बड़ा है, और भी चीज है. Okay, and it is equal in amount to a small, to the small, but in relation to itself, each is both large and small. मतलब इन रिलेशनशिप, मतलब एक के रिलेशंस में कोई भी चीज छोटा है तो उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा है तो उससे बड़ा भी हो सकता है। हाउएवर डिस्पाइट दिस Anaxagoras कंसीडर्ड दिस कंपोनेंट ऑफ मैटर ऑफन रेफर्ड टू एज सीड्स और स्टफ्स एज इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टिव एल्बियट मोर लूजली सो than envisioned by Empedocles. This still raises the question that if everything contains everything else in varying proportions nonetheless, then what is it that makes something what it is? To this, Anaxagoras replies, each single thing is and was most plainly those things of which it contains most. मतलब basically वो क्या बोला कि यहाँ पे इसने बोला कि कंसीडर दिस कंपोनेंट ऑफ मैटर एज ए सीड राइट और स्टफ एज इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। उसने तो माना था ना कि इटर्नल है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यदि तो बोलता है कि इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा था कि इफ देयर एवरीथिंग कंटेन्स एवरीथिंग एल्स, भले ही वो वेरिंग प्रोपोर्शन में हो, यदि सब में ऐसा है तो ऐसा कौन सा चीज है जो व्हाट इज दैट मेक्स समथिंग व्हाट इट इज। मतलब जैसे मान लो कि एयर है तो एयर को बनाने वाला कौन है, उसमें क्या है, हाँ उसमें क्या है, वो कहां से आया, वो ऐसा क्यों है यदि एवरीथिंग में एवरीथिंग पार्ट हो जी। तो वो बोला कि सिंपली ही रिप्लाइड इज सिंगल थिंग इज एंड वाज plainly those things of which it contains the most, मतलब most, मतलब यदि air है तो air में है सब कुछ, पूरा यूनिवर्स मिला हुआ है, लेकिन air का परसेंटेज ज्यादा है। मतलब जो चीज दिख रहा है, जैसे मान लो फायर दिख रहा है तो फायर में भी सारा यूनिवर्स है लेकिन फायर का कॉन्टेंट ज्यादा है।
इसलिए उसे फाइल भी कहा। हाँ, इसने ऐसा अपना थ्योरी बताया। In other words, something is what it is because it contains most of that stuff. More precisely, something is what it appears to be microscopically because it contains most of the stuff microscopically. मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वो बड़े में भी वो चीजें ज्यादा एक्सप्रेस होकर दिख रही है। So we see in both the theories of Empedocles and Anaxagoras the attempt at producing intangible theory of matter. Each tried to combine ideas that would account for the changing world that we all experience while still allowing for certain components to remain fundamental and as such changes. मतलब कुछ ऐसी चीजें जो है फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होती और बाकी भी चीजें जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होता, बाकी चीजें बदलती रहती हैं। In effect, each was trying to include simultaneously in his unique way the dogma imparted by Heraclitus and Parmenides. क्योंकि एक ने बोला था चेंजलेस, दूसरा बोला था डिस्ट्रॉयर। बेसिकली सबने वही चीज पकड़ा कि एक चीज तो कुछ ना कुछ ही कॉन्स्टेंट है। और आज भी इंडियन स्पिरिचुअलिज्म में तुम देखो, चाहे कहीं भी कोई भी स्पिरिचुअल आदमी, वो दो ही चीज की खोज है। उसको क्या है जो कभी नहीं चेंज हो रहा, अभी भी हमारे साथ है, जो नहीं चेंज हो रहा, एंड व्हाट इज दैट व्हिच इज चेंजिंग अस। उसको समझ लेना, उसको एक्चुअलाइज करना से क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। और इस प्रोसेस में बेसिकली ढूंढने के प्रोसेस में बहुत सारी डिस्कवरी होती है, और सारे ने किया क्योंकि वहीं पे जाके माइंड आपका स्टिल होता है और स्टिल होते वही आइडिया आते हैं। जितने बढ़िया से बढ़िया आइडिया हैं वो यूं आइडिया आते हैं और आप उसको अप्लाई करते हो एंड योर डिस्कवरी बिकम्स रियली वंडरफुल डिस्कवरी। Today their ideas may sound strange, right, and metaphysical to us, yet one can find the similarity between them and the current atomic theory. आज भी जो atomic theory exist करती है, latest, इनके thoughts जो थे, वो बिल्कुल वैसे ही हैं. There is a link, ऐसा नहीं कि उनको truth पता नहीं था, सिर्फ यही problem था, उनके पास equipments नहीं थे, उतने technological advances नहीं थे, कि वो करके दिखा सकते थे, वो दिखा नहीं पाए, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हुआ और बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स आए। अदरवाइज ट्रुथ जो है वो उनको पता था उस समय पे भी। दिस इज परहैप्स बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड इन द थ्योरी पुट फोर्थ बाय डेमोक्रेटस हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट ग्रीक एटॉमिक थ्योरिस्ट। तो डेमोक्रेटस जो था उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो दी थी उसी को अभी भी यही से बहुत सारे बुक्स जो हैं ये दो तीन को छोड़ देते हैं जो हम लोगों ने अभी कवर किया और डिस्कस किया कि कैसे कैसे उन्होंने सोचा एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटस। सो डेमोक्रेटस एटम्स दिस ही वाज अ नेटिव ऑफ एबिदेरा इन थ्रेस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ग्रीस। ही ट्रेवल्ड वाइडली perhaps spending time in Egypt and Persia. He also spent time in Athens. जैसे उसने quote किया है किसी में कि I went to Athens and no one knew me. उसको कोई नहीं पहचानता था। Indeed, it seems that in Athens, Democritus never really fit into the intellectual elite and his philosophy was ignored for some time. जो उस समय के लोग जो इंटेलेक्चुअल जो थे, क्योंकि वो फिलोसफिकल बातें करते थे, वो उनके इंटेलेक्ट में जो था वो फिट नहीं बैठा। एथेंस ये बोल रहे ना, एथेंस डेमोक्रेटस नेवर रियली फिट इनटू द इंटेलेक्चुअल एलाइट एंड हिज फिलोसफी वाज इग्नोर्ड फॉर सम टाइम। देखो एक चीज ना, बहुत दो आदमी ना लर्न करता है दो तरीके से। इसको रिकॉर्ड करूं कि नहीं, इसको रिकॉर्ड करता हूं। लर्निंग के दो प्रोसेस है। लर्निंग एक इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है और एक लर्निंग का भी एक मर्करी है, मर्करी
समझिए एस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो मरकरी और जुपिटर दो है, दोनों की लर्निंग डिफरेंट तरीके की है। एक हर चीज को रीजंस के साथ देखता है, हर चीज के प्रूफ ढूंढता है ये ऐसा क्यों है, एनालिटिकल माइंड से वो सोचता है और लर्न करके आगे बढ़ता है, समझ गए। वो लर्निंग मर्क्यूरियस लर्निंग है, मरकरी का लर्निंग है, ओके। वो हाँ हर चीज को रीजन देगा, और वही इंटेलेक्चुअल लर्निंग के बाद बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, उनके में ये फिट नहीं बैठा। और ये जुपिटर वाले लर्निंग थी इसके, फिलोसफिकल लर्निंग, जो नहीं हुआ आज तक उसके बारे में इन्वेजन करना, उनको देखना, उस चीज को एक्सप्लोर करना, वो जुपिटर की लर्निंग, समझ गए। तो लर्निंग के भी दो तरीके हैं, वो वहां से एक्सप्लोर करता है, रिस्क लेता है, नहीं है तो क्या करके देखते हैं ना, लेट्स फाइंड इट आउट, समथिंग जो दिमाग में आया, अच्छा ये थ्योरी हो सकती है, उसको वो मेडिटेशन में है या सोच रहा है, उसके थॉट्स में आ रहे हैं बार बार, उसको वेरीफाई कर रहा है, वो दिख नहीं रहा ना कहीं, कोई रीजन नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, बट हो रहा है, उस पे काम कर रहा है, ये जुपिटर की लर्निंग, वो वहां से लर्न करेगा, कोई थ्योरी नहीं, कुछ भी क्रॉस नहीं करता, कुछ नहीं दिख रहा, बट फिर भी उसको बिलीव है ये तो है, कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज देयर, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इट, ये जुपिटर का एक्सप्लोरेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जुपिटर लर्निंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल लर्निंग। और भी एग्जांपल, एग्जाम में पढ़ाई करना है, ये क्यों पढ़ना है, ये एग्जाम में आता है इतना ही पढ़ना है, इतनी ही बातें करनी है, मर्क्यूरियस लर्निंग रेशनल है, जुपिटर नहीं, नॉलेज एक्चुअली में क्या हो रहा है, हाउ दिस थिंग्स हैज हैपेंड, उसके बारे में डिस्कवर, ये हम जो कर रहे हैं अभी ये जुपिटर वाली लर्निंग है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कैसे ओरिजिनेट हुई थी चीज, वो भले ही वो हमारे लिए इमीडिएट एडवांटेज की बात ना हो, मतलब लोकल कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है यहाँ, हमेशा जुपिटर लॉन्ग टर्म गोल की बात करता है और मरकरी हमेशा शॉर्ट टर्म की बात करेगा, अभी क्या फायदा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये डिफरेंस, ओके। सो हियर ये जो था इसके विचारधारा जो थी डेमोक्रेटस की, वो इंटेलेक्चुअल लोगों के पास रास नहीं है, इसलिए उसकी फिलॉसफी जो है इट वॉज इग्नोर्ड फॉर द सम टाइम, नेवरदलेस हिज वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एग्जैक्टनेस ऑफ थिंकिंग, जो उसका नॉलेज जो था और उस सोचने का जो मतलब जो कुछ भी उसके थॉट्स में आते थे चीजें, ये एग्जैक्टनेस ऑफ थिंकिंग गिव हिम ए मच डिजर्व्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। सोचो फिलॉसफी इज द फील्ड ऑफ जुपिटर, ओके। बाय आवर प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड्स ही वाज परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स विद रिगार्ड टू द रिमार्केबल एक्यूरेसी ऑफ हिज आइडिया, उसका इतना एक्यूरेट था। फॉर एग्जांपल ही कंसीडर्ड द मिल्की वे टू बी कलेक्शन ऑफ टाइनी स्टार्स एंड मून टू बी वेरी मच लाइक अर्थ इन दैट इट कंटेन्स माउंटेन्स एंड वैलीज, और आज हम जाके एक्सप्लोर करके बता रहे हैं कैसा होता है। सोचो यहाँ से बैठा बंदा अपने विजन में देखता है, सोचता है, राइट, और उन चीजों को एक्सप्रेस करता है, उस समय लोग इग्नोर करते हैं, और आज हम इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी एक्सप्लोर करके हम वहीं पे जाकर पहुंचते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन माइंड, रिगार्डलेस वी नो हिम प्राइमरली फॉर हिज एटॉमिक थ्योरी, ऑल्दो हम एटॉमिक थ्योरी के लिए जानते हैं इसको, बट ये देखो नॉलेज, मिल्की वे इज ए कलेक्शन ऑफ टाइनी स्टार्स एंड द मून टू बी वेरी मच लाइक द अर्थ एज इट कंटेन्स माउंटेन्स एंड वैलीज। डेमोक्रेटस वॉज ए स्टूडेंट ऑफ ल्यूसिपस 50th सेंचुरी हु हैड एन एटॉमिक थ्योरी ऑफ हिज ओन, ल्यूसिपस का भी एटॉमिक थ्योरी था। In fact, it is hard to untangle the atomic theories of Democritus and Leucippus. This is mostly because we know very little about Leucippus, and it has been speculated that he never actually existed.
Although this seems unlikely, since Aristotle and Theophrastus mentioned his atomic theory explicitly. कुछ लोग बोलते हैं कि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था ल्यूसिपस, बट इसने, और ये बोलते हैं कि ल्यूसिपस का स्टूडेंट जो था डेमोक्रेटस था. फिर बाद में बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं तो एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी जो डाली उसके बारे में इसके नाम जो है उसने मेंशन करे है ऐसा. It seems more likely that Leucippus set in place some of the fundamentals and that Democritus built upon them, thereby extending the overall theory. Democritus considers everything in the universe, including human mind and soul, and even the God, to be made up of atoms, which is Greek for indivisible, and from which we get the word atom. I think we will stop it here. Okay. Huh?